दोस्तों अगर आप भी भारत को एक जबरदस्त टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला बारिश के कारण रद्द करना पड़ा, जिसकी वजह से खिलाड़ियों से लेकर प्रशंसक तक अब सभी निराश हुए थे और अब दूसरे टेस्ट मुकाबले से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इंग्लैंड के मौसम को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि खिलाड़ियों और प्रशंसकों को एक बार फिर से निराशा का सामना करना पड़ेगा। चलिए बताते हैं आपको कैसा रहेगा मौसम का हाल और कब और कैसे आप देख सकते हैं इस मुकाबले को, लाइव कैसे देख सकते हैं, साथ ही क्या होगा मौसम का हाल और आप सभी को क्या लगता है कि भारत और इंग्लैंड में कौन है जबरदस्त टीम, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज का यह दूसरा मैच 12 अगस्त से शुरू होगा, नॉटिंघम में खेले गए। सीरीज के पहले टेस्ट मैच में बारिश और खराब मौसम ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों को ही नहीं बल्कि फैंस को भी परेशान किया। मैच के 5वें दिन और अंतिम दिन तो एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। अब फैंस का मानना है कि दूसरे टेस्ट में मौसम की भूमिका कैसी रहेगी, वो जानना चाहते हैं इस चीज को। तो दोस्तों आपको पहले बता दें कि नॉटिंघम से लंदन पहुंचने में करीबन 3 घंटे का वक्त लगता है। दोनों ही जगहों के मौसम में काफी बदलाव है और सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से शुरू होना है। अधिकतम तापमान 12 अगस्त को 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, बारिश के आसार नहीं है। उसके बाद शुक्रवार 13 अगस्त को भी तापमान मैच के पहले दिन के बराबर ही रहेगा। मौसम तो सुहावना रहेगा लेकिन दूसरे दिन बादल घिर सकते हैं, सारे दिन भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं शनिवार 14 अगस्त यानी टेस्ट मैच के तीसरे दिन थोड़ी गर्मी हो सकती है। वहीं रविवार 15 अगस्त को भी मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है और मैच के 5वें दिन यानी कि अंतिम दिन 16 अगस्त को किसी तरह की बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दोस्तों सीरीज का दूसरा मैच लॉर्ड्स के मैदान पर गुरुवार को हो रहा है और ऐसे में हर किसी की निगाहें लंदन के मौसम पर हैं। इस बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने यहां के मौसम को लेकर जानकारी दी है। वॉन की माने तो दूसरे मैच पर बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मैच पूरा खेला जाएगा। इंग्लैंड में बारिश दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए सरदर्द बनी हुई है। 2019 के विश्व कप के दौरान बारिश के कारण कुल 4 ग्रुप मैच धुल गए थे। जून में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के दौरान भी बारिश ने टेस्ट क्रिकेट को पूरी तरह से धोने की कोशिश की थी और 2 दिन तो धो ही दिए थे, बाकी के दिन भी प्रभावित हुए थे। लेकिन इस मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया था जिसके कारण इसका नतीजा निकल सका। दोस्तों बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे से होगी और आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण सोनी के स्पोर्ट्स चैनलों पर देख सकते हैं। अगर आपको इस मुकाबले को हिंदी कमेंट्री में देखना है तो आप सोनी 10/3 पर देख सकते हैं और अगर आपको इस मुकाबले का मजा अंग्रेजी कमेंट्री में उठाना है तो आप इसे सोनी 10/1 पर उठा सकते हैं और अगर आप इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले को जीत सकती या फिर नहीं, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।